नमस्ते दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल फैंटेसी दुनिया में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग डिटेल्स पे एनालिसिस करेंगे CCH चट्टग्राम चैलेंजर्स वर्सेस फॉर्च्यून बरिशाल के बीच जो होगा बांग्लादेश प्रीमियर लीग T20 का आज का दिन का दूसरा मैच। अगर लीग स्टैंडिंग देखोगे और अगर मेरे से पूछोगे तो मैं बोलूँगा इस टूर्नामेंट का सबसे बेस्ट टीम है FBA। बट अगर आप बैलेंस देखोगे तो सिलेट का भी सही है, बट FBA दोस्तों इनके पास ना स्टार प्लेयर्स बहुत सारे हैं। 7 खेला है, 5 विन गया, 2 हारा है केवल। और इनका ओपोनेंट CCH टूर्नामेंट का सबसे वीकेस्ट टीम है, एग्जैक्ट ऑपोजिट। 7 मैच खेला है, 2 जीता 5 हारा। तो FBA ने जहाँ पे 5 जीता है यहाँ पे उन्होंने सिर्फ 2 जीता है। FBA जहाँ पे 2 हारा है इन्होंने 5 हारा है। तो सब कुछ उलट पलट हो गया दोस्तों CCH का। मैं क्या कहता हूँ, मेरे मानना है तो FBA की फेवर में वन साइडेड बना सकते हो। आप अगर ड्रीम इलेवन का न्यू कम्बिनेशन खेल रहे हो तो क्या आप 10 प्लेयर कम्बिनेशन, मतलब 10 10+1 10+1 कॉम्बिनेशन कौन होता है? CCH वीक टीम है, 1 प्लेयर FBA से 10 प्लेयर, ये लेना क्या सही होगा? आफ्टर टॉस क्या ले सकते हो? सिलेट में क्या हो सकता है पिच का? गाइस, मेरा ऑब्जर्वेशन, अगर आप पिछले सीजन देखोगे उसमें क्या हो सकता है, सब कुछ मिलेगा इस वीडियो में। तो ध्यान से दोस्तों आप वीडियो अंत तक देखना, पसंद आए तो लाइक कर देना। एंड अगर आप चैनल में न्यू हो, फर्स्ट टाइम देख रहे हो वीडियो इस चैनल में, तो चैनल को करो आप सब्सक्राइब और फटाफट से आप जुड़ जाना टेलीग्राम, क्योंकि जो अपडेट्स एंड डेमो टीम होगा ना, मैं वो इस मैच का और इसके बाद BPL T20 के साथ आपको फिलहाल मिलेगा जिब्राल्टर T10 के कवरेज, और उसके बाद और उसके साथ मिलेंगे मल्टा T10, UAE T20 स्टार्ट चल रहा है उनके, और साउथ अफ्रीका T20 का मैं आपको शेयर करूंगा मेरा ऑब्जर्वेशन एक्शन 22 को बेरा के पिक्स। वीडियो आपको मिलेंगे फ्यूचर में मल्टा T10 का, ICC अरबियन T20 का। तो ये सब मैचेस के कवरेजेस आपको मिलेंगे इस चैनल में। तो चैनल में अगर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और ज्वाइन हो जाओ टेलीग्राम, जिसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है। कमेंट सेक्शन में भी आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, लिंक में सिर्फ आपको प्रेस करना है और सीधा रिडायरेक्ट हो जाना है। फटाफट आते हैं एनालिसिस में। 6:30 बजे मैच स्टार्ट होगा। 150 रन एवरेज स्कोर इस ग्राउंड का, क्लियर वेदर रहना चाहिए मेरे हिसाब से। सिलेट के ग्राउंड मेरे हिसाब से अच्छा खासा स्कोर बन सकता है। इवन ढाका से इससे पहले तक रन अच्छा बन रहा था, बट अगर आप ढाका का देखोगे करंट सीजन में रन बनाए, ऐसे नहीं रन बनाए, रात के मैचेस में ज़्यादा रन बने ड्यूज वगैरह के कारण, स्टिल रन बनाए कंपेयर टू इनकी पिछले सीजन। ठीक है, एक्शन 22 गिव अवे गाइस रहेगा इस वीडियो में। सिंपल क्वेश्चन का आपको आंसर करना है और गिव अवे का विनिंग लेके जाना है। FBA से अगर एनालिसिस स्टार्ट करते हैं तो इन्होंने अब तक दोस्तों बहुत ही अच्छा क्रिकेट खेला है। देखो, इनसे जो आता है वो अच्छा खेलता है। सैफ हसन ने लास्ट मैच में 31 का नॉक अच्छा खेला था। इब्राहिम जदरन लास्ट मैच टीम हारा तो था, बट सैफ ने अच्छा खेला था। इब्राहिम जदरन मेरे हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट पिक है। एक मैच छोड़ दो जहाँ पे 0 है, हर मैच में बंदे का 5 रन है, 3 मैच में तो 40+ भी है। मेरे हिसाब से डेफिनेटली बहुत ही शानदार पिक है गाइस, फ्यूचर है अफगानिस्तान का। शकीब अल हसन सबका कैप्टन, मेरा भी कैप्टन बनेगा, कोई यहाँ पे रिस्क लेगा ही नहीं और सही भी नहीं होगा लेना। 2 मस्ट पिक आ चुके हैं हमारे पास, 30 का इफ्तिकार अहमद, स्पेशली इफ्तिकार अहमद इफ देखो ना बैट फर्स्ट, यार ये ऐसा बंदा है जो आपको शतक भी दे सकता है, कैप्टन वाइस कैप्टन भी बना सकते हो। सेकेंड इनिंग्स में टीम में रखो, चाहो तो ग्रैंड लीग में रोटेट भी कर सकते हो गाइस। करीम जन्नत अगले पिक बनेंगे। करीम जन्नत दोस्तों अब तक टूर्नामेंट में अच्छा बॉलिंग कर रहा था, एक्सेप्ट लास्ट मैच थोड़ा सा पिटाई, बट उस मैच में इन्होंने 21 का नॉक खेला, वेरी डिसेंट एंड मेरे हिसाब से, मेरा मानोगे तो वेरी सेफ पिक है। कौन? करीम जन्नत। ठीक है, कुछ ना कुछ पॉइंट्स कहीं ना कहीं से करीम जन्नत पॉइंट्स दे जाते हैं, कैचेस ले लेते हैं, कुछ भी कर लेते हैं। यार मेहदी हसन का सरप्राइजिंगली लास्ट मैच में बैटिंग बहुत नीचे आया था, एक हाई चांस है कि मेहदी हसन से टीम ओपन करा जाए। ठीक है, और इब्राहिम को 1 डाउन, अनमोल को शायद बहुत नीचे, ऐसा कुछ हो सकता है, एक आउटसाइडेड चांसेस है। मेहदी हसन बहुत ही शानदार पिक है एंड डेफिनेटली आपके लिए इंपॉर्टेंट है। लास्ट मैच में 7 रन किया था, उनमें से 1 छक्का था, बॉलिंग भी डिसेंट किया, बट टूर्नामेंट में देखोगे एक बार 3 फॉर लिया था, 1 बार 2 फॉर, और वही बात हो गया कि शकीब भी टूर्नामेंट में ज़्यादातर मैच में 1 से ज़्यादा विकेट और शायद 1 भी विकेट नहीं मिला, और इनका भी हालत सेम है। मतलब मैं ये बताना चाहूँगा कि इनके बॉलिंग के साथ परफॉर्मेंस मेहदी या फिर शकीब का बहुत ज़्यादा नीचे आ गया है इस टूर्नामेंट में। मोहम्मद वसीम वन ऑफ द कंसिस्टेंट बॉलर, जब जब खेले 3 मैच में 3 मैच में विकेट निकाला, थोड़े से रन खर्चा कर देते बट विकेट ले जाते हैं। FBA का वही बात है कि इनके बॉलर्स दोस्तों रन तो खर्चा करते हैं, ये बात तो सही है कि इनके बॉलर्स का पिटाई तो होता है टूर्नामेंट में,
कमरुल इस्लाम रब्बी, अब इनके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकते हो, कई बार इनके ओवर्स करते हैं और डेथ ओवर अगर मिला तो विकेट लेते हैं, अदरवाइज उतने भी खास पिक मुझे नहीं दिखता। खलीद अहमद डिसेंट पिक है, बट मैं एक चीज़ यहाँ पे अलर्ट करना चाहूँगा दोस्तों, ओवर कट जाते हैं खलीद का कमरुल का, ध्यान देना इनके ऊपर, लेने से पहले दो बार सोचना। ग्रैंड लीग पे यूज़ कर रहे हो मैं मना नहीं करूँगा, अगर परफॉर्मेंस भी देखोगे उतना भी खास नहीं है, 329 for 0, 232 for 1, 190, 935, 0, 335, 0, इतना पिटाई होने के बाद टीम शायद कॉन्फिडेंस नहीं है कि यार इनसे ओवर कराया या ना ही भी कराया। कमरुल इस्लाम रब्बी वेरी डिसेंट है, विकेट ले जाता है, ध्यान से देखोगे तो एक विकेट है, फिर जीरो, फिर दो विकेट है, फिर एक, एक, जीरो, जीरो, ऐसा परफॉर्मेंस है, बट करंट परफॉर्मेंस विकेट ले जाते हैं, बट पिटाई बहुत होता है और ऐसा भी हो सकता है एक ओवर में 19 खा गया तो शायद टीम इनको बॉलिंग ही ना कराए, ध्यान देना दोस्तों। चतुरंगा डिसिल्वा अगर खेलता है तो ट्राई कर सकते हो, एक अच्छा खासा लेफ्ट आर्म ऑर्थर ऑफ, चार चार ओवर डालते हैं और कुछ ना कुछ रन भी बना जाता है, ट्राई करना है तो इनको कर सकते हो। ओपनिंग बॉलिंग खलीद, मोहम्मद वसीम, करीम जन्नत करते हुए आपको दिखेंगे गाइस, और डेथ में जो कराएगा वो है करीम जन्नत, मोहम्मद वसीम और दोस्तों करते हुए दिख सकते हैं आपको कमरुल इस्लाम रब्बी, ठीक है, ये थर्ड ऑप्शन रहेगा डेथ में, ऐसा मैं मानता हूँ। CCH से अगर देखोगे गाइस, उस्मान खान ओपन करेंगे, अच्छा स्टार्ट मिला है इनको कई बार, 45, 22, 36, 103, अब बट जब फ्लॉप होते तब बहुत ज़्यादा, 4, 0, 2। के नफे तौकील खान गाइस, इशू क्या है इस टीम का, बैटिंग बॉलिंग बॉलिंग सॉरी यार बैटिंग चल नहीं रहा इनका, एक आधा अच्छे बैट्समैन उस्मान खान, आफिफ हुसैन, आफिफ ने लास्ट मैच में इंजरी हो गया था तो बॉलिंग नहीं किया, बैटिंग नहीं किया था, बट अदरवाइज ये जरूर कराएगा 1 डाउन से 2 डाउन, मस्ट पिक है उस्मान, आफिफ दोनों आपके लिए, और आफिफ दोस्तों बहुत ही अच्छा सीजन गया है, 35, 29, 69, 28, बेसिक बात क्या है कि आफिफ स्टार्ट लेते हैं, बड़े इसको नहीं बना पाते, कन्वर्ट नहीं कर पाते, बट इनको स्टार्ट तो ऑलमोस्ट हर एक मैच में मिला है आफिफ को, एक आधा छोड़ दोगे जहाँ पे 5 का नॉक था। दरविश रसूली अगर देखोगे तो स्टार्ट तो ये भी ले जाता है बट कन्वर्ट नहीं होता है, सिंपल बात है कि इनके प्लेयर्स स्टार्ट लेते हैं बट विकेट गिर जाता है इनका, और बड़े स्कोर इस टीम से नहीं बनता, अगर बड़े स्कोर नहीं बनेंगे तो सेकेंड इनिंग्स में जब इनके बॉलर्स बॉलिंग करेंगे कैसे प्रेशर क्रिएट करेंगे, ये बात भी आपको ध्यान देना पड़ेगा दोस्तों। अगर आप देखोगे जियाउर रहमान लास्ट मैच में बॉलिंग नहीं किया तो आप ये मान के चल सकते हो उससे पहले 2-2 ओवर डाल रहा है, अगर नंबर ऑफ बॉलर इस टीम से कम खेला है तो शायद ये आपको बॉलिंग कर जाए, अगर नंबर ऑफ बॉलर सेम खेला है और ज़्यादा खेल रहा है तो जियाउर का ओवर कटेगा। शुभगत होम समहाउ पॉइंट दे जाते हैं और लास्ट मैच में 2 विकेट इनको मिला था, इसका बहुत बड़ा रीज़न था, इनको कहाँ किसको बॉलिंग किया था शुभगत होम लास्ट मैच में, ये कई सारे लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन को बॉलिंग किए थे जहाँ पे 2 विकेट भी मिला है इनको, अदरवाइज शायद विकेट लेस जाए, बट टूर्नामेंट में 152, 137 का नॉक है। इस सीज़न में नूरुल हसन मैं बोल रहा हूँ दोस्तों, नसीर हुसैन भी बहुत ही अच्छा क्रिकेट खेला है तो शुभगत सेफ जाने के लिए रखना है तो रखो। मृत्युंजय चौधरी अगर बॉलिंग फर्स्ट लेना है तो लो सेकेंड इनिंग्स में ड्रॉप, टूर्नामेंट में अब तक अगर देखोगे परफॉर्मेंस बहुत खराब है, 0 विकेट, 1 विकेट, 0 विकेट, 1 विकेट, 0 विकेट, 1 विकेट, बट एक चीज़ ध्यान दो, एक मैच में विकेट लेता है, अगला मैच में विकेट लेस, लास्ट मैच में विकेट लेस था तो शायद ये विकेट ले जाए, पिटाई भी बहुत खाता है, बट लास्ट सीजन में 8 मैच में 15 विकेट, यकीन नहीं हो रहा है इतना खराब परफॉर्मेंस है, बट मैंने जब इनको बॉलिंग करते देखता हूँ मैं, हमेशा मुझे लगता है इनका बॉल गिरने के बाद अंदर भी आता है, बॉलिंग अच्छे करते हैं बट समहाउ इनको विकेट नहीं मिलता, बट स्टिल बॉल फर्स्ट लेना है तो लो। व्यासकांत अगर आपको एक विकेट चाहिए तो ट्राई करना है, अगर आपको एक से ज़्यादा मतलब 25 से ज़्यादा पॉइंट चाहिए तो व्यासकांत को आप ड्रॉप कर सकते हो। मेहदी हसन रैना ये अगर आप देखोगे 326-0, 327-0, उससे पहले में 2 विकेट था फिर 0-0, डिसेंट परफॉर्मेंस है, बट हाँ मैं एक ही चीज़ बोलूँगा दोस्तों, अगर बॉलिंग फर्स्ट हुआ मेहदी हसन रैना आपके लिए ज़्यादा बेटर पिक रह सकते हैं गाइस। यहाँ पे मैंने मिस्टेक किया था, लास्ट मैच में मेहदी हसन राणा को 3 विकेट मिला था, बट ये विकेट्स कहाँ पे मिले थे, ज़्यादातर विकेट्स इनको ना डेथ ओवर्स में मतलब लास्ट के जो 17 या 20 ओवर होता है ऐसे ओवर्स में इनको विकेट्स मिलते हैं, ठीक है, लास्ट के ओवर्स में, तो लास्ट का मतलब डेथ ओवर्स ओपोनेंट टीम स्ट्रांग है, FBA है तो वो चेस शायद कर जाएंगे इजीली, तो अगर इनका बॉलिंग फर्स्ट होता है तो इनको रखो, अगर सेकेंड इनिंग्स में बॉलिंग होता है उतना भी मेरे हिसाब से मस्ट पिक नहीं बनता, कौन मेहदी हसन राणा गाइस। तेजुल इस्लाम अब 0-0, 1 विकेट है, अगर आप इनके रिकॉर्ड्स कुछ प्लेयर्स है जो फिलहाल बेंच में, इनमें से फराद रिजा अगर बॉलिंग फर्स्ट खेलता है तो रख सकते हो, डेथ में कराएगा। नियाज़ुज़्ज़मान जब जब बॉलिंग किया है, बॉलिंग तो इन्होंने अच्छा किया है, बट टीम इनको क्यों ड्रॉप करता है समझ नहीं आता है गाइस। और बाकी मुझे अबू जायद लग रहे थे जो विकेट निकाल रहे थे, बट इंजरी के लिए ये भी टीम से ड्रॉप हो चुके हैं। ओपनिंग बॉलिंग शुभगत मेहदी,
फरहाद महिदी राना करते हुए आपको दिखेंगे। डेथ में कौन कराएगा, महिदी हसन राना करते हुए दिखेगा। देखो जियाउर रहमान ने लास्ट मैच में बॉलिंग नहीं किया था, फरहाद रिजा नहीं खेला था, नियाज़ुज़्ज़मान नहीं खेला था, तो कौन आ गए थे दोस्तों लास्ट मैच में डेथ में करते हुए, मृत्युंजय चौधरी। ठीक है, अगर फरहाद रिजा खेलता है, मैं एक ही चीज़ बोलूंगा दोस्तों, फरहाद रिजा खेलता है और मृत्युंजय अगर नहीं खेलते तो दोस्तों ये प्लेयर ना इंपॉर्टेंट हो सकता है। कौन दोस्तों, वो मृत्युंजय बेसिकली दोस्तों फरहाद के जगह बॉलिंग कराया था लास्ट मैच में, तो आप मान के चलो अगर मृत्युंजय खेलता है तो ये आपको वन चेंज बॉलिंग भी करते हुए दिखेगा। मेहदी भी पावर प्ले में आ सकता है, बट मृत्युंजय जरूर कराएगा शुभोगतो के साथ। अब देखो शुभोगतो लास्ट मैच में तो कराया था, बट इसने क्यों कराया था, क्योंकि ओपोनेंट से जो बैट्समैन बैटिंग कर रहे थे ना वो मोहम्मद नईम थे, मीन जिनको टारगेट करके इनको लाया गया था, बट इन्होंने मेहदी हसन को आउट किया था जो राइट हैंडेड है, बट स्टिल लेफ्ट हैंडेड प्लेयर था इसलिए। बट इस बार देखोगे तो दोस्तों इस टीम से आपको ओपन करते हुए दिखेगा सैफ हसन और इब्राहिम सदरन। अगर ये दो ओपन किया, दोनों राइट हैंडेड है, तो क्या लगता है आपको शुभोगत ओपन करे पावर प्ले में बॉलिंग करेगा नहीं करेगा? मृत्युंजय चौधरी के साथ मेहदी हसन राणा भी आ सकता है या फिर दूसरा बॉलर आ सकता है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन ऐसा मैं मानता हूँ। बट डेथ बॉलर इनका दो ही है, मेहदी हसन राणा और मृत्युंजय। इस मैच के रिलेटेड कोई भी और अपडेट होगा, डेमो टीम होगा, आपके साथ मैं शेयर करूंगा टेलीग्राम पे, तो जुड़ जाना टेलीग्राम। फिलहाल चलते हैं हम लोग हमारे ड्रीम 11 टीम में। फिलहाल गाइस मैंने ये टीम क्रिएट किया जहाँ पे हमारे कैप्टन है शकीब अल हसन, वाइस कैप्टन है मेहदी हसन मिराज, करीम जन्नत है हमारे पास, शुभगतो होम है मेहदी हसन राणा, मृत्युंजय चौधरी, मोहम्मद वसीम, अफीफ हुसैन, इब्राहिम जदरन, इफ्तिकार अहमद और उस्मान खान। फिलहाल दोस्तों मैंने ये टीम क्रिएट किया। इस मैच के रिलेटेड कोई भी और अपडेट होगा, डेमो टीम होगा, ये ना आपके साथ मैं टेलीग्राम पे शेयर करूंगा, तो जुड़ सकते हो। इसके लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक एडेड है, कमेंट सेक्शन में भी लिंक मिल जाएगा, लिंक में प्रेस करना है और रिडायरेक्ट होना है टेलीग्राम पे। चलो गाइस मिलते हैं मैच टाइम पे, थैंक यू गाइस।